it is action we do but not at the moment. Means वो काम जिधर आप करते हैं आप इस समय नहीं कर रहे and वो काम जो बार-बार repeat होता रहता. So आप daily life में बहुत से ऐसे काम करते हैं पर जो इस समय नहीं कर रहे. जिम्मे के चाय पीना. For example मैं चाय पीना होना but हम नहीं पी रहे. दिवाली आप मनाने होने हैं but आज दिवाली नहीं आएगी. मैं फ्रेंड्स ना गलत करता हूँ बट इस समय नहीं गलत कर रहा. मैं फोन यूज करता हूँ ना करता बट इस समय मैं फोन यूज नहीं कर रहा. सो सिंपल ही गल की जाए जो अस का अपना टॉपिक कि रिलेटेड है वो काम जो आप करते हैं पर इस समय नहीं कर रहे एंड वो काम जो बार बार रिपीट होंगे रहता. फॉर एग्जाम्पल सवेरे उठना आप उठते हैं पर हूँ नहीं उठ रहे. नहाने होने होने ना रहे. ब्रेकफास्ट करते हैं पर हूँ नहीं करते. वो काम जो आप करते हैं पर इस समय नहीं करते एंड वो काम जो बार बार किया जाता है रिपीट. सो मेनली आईलेंस स्टोन लाइन ते स्पीकिंग वाले दोनों दे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी. सो प्लीज पे अटेंशन. सो वो काम जो आप करते हैं पर एट द मोमेंट नहीं कर रहे इज दिस सिर्फ ते सिर्फ दो रूल्स ने एंड जब तुम दो रूल्स को अंडरस्टैंड कर दो तो तुम काफी कुछ इजीली इजी लगने लगेगा. सो प्लीज पे अटेंशन. ये फर्स्ट रूल है वो की आप इस ध्यान दें. पर जो किसी सेंटेंस में एक्शन नहीं होता एक्शन मीन्स वर्ब की फॉर्म. जो भी किसी सेंटेंस में जो भी वर्ब की फॉर्म नहीं होती तो उस केस में आप की यूज करते हैं जो किसी सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म नहीं है तो कंपलसरी है तुसी इस बार लगाओगे लगाओगे. फॉर एग्जांपल जी मैं बिजी हूं तो इन इंग्लिश आई एम बिजी. फ्रेंड है तो अपन नॉर्मली क्या कहेंगे ही इज माय फ्रेंड. चा गर्म है टी इज हॉट. तुसी लेट हो यू आर लेट. बरनाला एक शहर है बरनाला इज अ सिटी. ठीक है. और अब फॉर एग्जांपल अब फाइव सेंटेंस लिख चुके हैं एंड फाइव सेंटेंस में एक चीज कॉमन है वो कि पंजा सेंटेंस में एक कुछ भी वर्ब फॉर्म नहीं है तो पंजा में जब आप यूज किया है कि इज कि एम कि आर. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल जो किसी सेंटेंस वर्ब फॉर्म नहीं है तो इज अ मार लगाना कंपलसरी है. तुसी इज अ मार नहीं लगाओगे फॉर एग्जांपल जे तो सिर्फ कभी आई बिजी कह रही है तो ये थोड़ा सेंटेंस इनकंप्लीट है क्योंकि जो भी किसी सेंटेंस में बहुत ही फॉर्म नहीं है कि तो इज अमर आएगा ही आएगा. तो कभी नहीं कह सकते आई बिजी. तो हमेशा कहोगे आई एम बिजी नॉट आई बिजी. सो प्लीज क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये होते हैं जो ज्यादा फोकस नहीं करते हैं इज अमर नहीं लगाते. अगर नहीं लगाते तो प्लीज थोड़ा सेंटेंस गलत है. एंड इट इज द फर्स्ट रूल. नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड रूल एंड सेकंड रूल भी काफी ज्यादा इजी है. प्लीज पे अटेंशन. एंड फर्स्ट if there is an action so in a sentence par jadon kisi sentence vich kiya jave action aa janda hai. action means jinnu main kehna verb di form upar verb di form nahi si par niche verb di form hai hai par jadon kisi sentence vich verb di form aa jave ta us case vich aapa kade vi is na maar nahi lagaoge. ek rule hai please ओ कम जिड़ा आपा करते हैं पर इस समय नहीं कर रहे ये तो दो रूल्स ने. पहला रूल्स की है जी बहुत ही फॉर्म नहीं है कि तो इस बार आएंगे ही आएगा. पर जो किसी सेंटेंस में बहुत ही फॉर्म आ जाए तो उस सेंटेंस में कभी भी इज एम आर नहीं लगेगा. सो प्लीज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होंगे ने वो ये सोचते हैं भी सेंटेंस ये है. एग्जांपल आई एम एग्री विद यू. ओके देखने से यह लगता है जी हाँ जी बिल्कुल सही है बट ये सही नहीं है क्योंकि एग्री एक वर्ब है एंड जब वर्ब लगी हो तो कभी भी इज अमर नहीं लगेगा. सो इन दैट गलत की चीज है सेंटेंस गलत है. सो नॉर्मली राइट आंसर सी वो किसी का आई एग्री विद यू क्योंकि
क्योंकि अग्री एक वर्ब है एंड वर्ब के बाद कभी भी इज़ अमर नहीं लगा। क्लियर? हम नेचुरली मैं फोन यूज करता हूँ बट होता नहीं कर रहा। सो यूज एक वर्ब है एंड वर्ब के बाद से कभी भी इज़ अमर नहीं लगा सकते। ताकि कहूँगे जी नॉर्मली आप यस वी विल से वी विल नॉट ये नहीं कहना कि आई एम यूज फोन। नो तो सिर्फ की कहना था आई यूज फोन। मैं फोन यूज करता हूँ ना बट हूँ नहीं कर रहा। पर जब तुम कह रहे हो आई एम यूज फोन सॉरी तो ये सेंटेंस गलत है। सो जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एक ही रिप्रेजेंट कर दिया एक्शन वी डू बट नॉट एट द मोमेंट एंड वो कम जो बार बार रिपीट होता रहता। सो एक्शन वी डू बट नॉट एट द मोमेंट। सो तुम कुछ भी करने की जरूरत नहीं ना फर्स्ट कुछ नहीं करने की फर्स्ट मूव लगा के छोड़ दो क्योंकि फर्स्ट मूव की रिप्रेजेंट कर दिया कि एक काम बार बार होता रहता है। इनडायरेक्टली देखने वाला मीन्स कैसा रिपीटेबल एक्शन। रिपीटेबल मतलब जोड़ा काम बार बार होता रहता है जिम्मे सुबह उठना उठा के भी सिर्फ तुम ये नहीं है इस बार तो सिंपली जिसकी कहोगे आई वेक अप एट 6 AM मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ ना बट हूँ नहीं उठ रहा। तो सिर्फ तुम कला कि मैं वेक कहना तो इस दम नहीं लगाओगे तो गलती ना कह रहे हो आई एम वेक अप कह रहे हो तो सॉरी तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई एम वेक अप एट 6 AM सो ये गलत है क्योंकि वेक अप एक वर्ब है एंड वेक तरह कभी भी इस दम नहीं लग सकता। ये लग गया सॉरी थोड़ा सेंटेंस गलत है। सो जो चीज टीच की थी जी वो ए है तो सिर्फ ये देखना था जब वर्ब की फॉर्म नहीं है कि तो इस दम आप लोगों को रोक नहीं सकता पर जब वर्ब की फॉर्म आ जाए तो उस सेंटेंस में तुम कभी भी इस दम आप नहीं लगाओगे। दैट इज द फुल एंड फाइनल। एंड और एग्जांपल दे दो प्लीज। हाँ जी जब आप गल कीजिए लाइक एक वर्ड है जो 2 मिनट निकल जाते हैं पहला मीनिंग निकल जाए तो हरेक में पता ही है पसंद करना। सेकंड इज द मीनिंग निकल जाता है वर्ड का। हम जो एक सेंटेंस दो दो मीनिंग निकल रहे हैं एक्चुअली लाइक तो बहुत सारे ज्यादा मीनिंग्स हैं पर सिर्फ दो ही गल कर रहे हैं। हम लाइक सो आप मेनली लोगों को ये होता कि लाइक का मीन्स पसंद करना होता है पर लाइक के 2 मीनिंग्स नहीं एक तो पसंद करना एक वर्ड का। सो नेचुरली ये जो इको सेंटेंस है दो दो मीनिंग्स है तो आपको क्या पता लगेगा बे पसंद करना है वर्ग का। सो उस दिन प्लीज ध्यान दो पसंद करना एक एक्शन है तो वर्ग का एक्शन नहीं है। मतलब पहला दस चुके जो तो किसी सेंटेंस में एक्शन लगे हो तो उसे इस दमार नहीं लगता। सो जो तो लाइक में तुम पसंद करते हो तो यूज कर रहे हो तो वर्ग है एंड वर्ग के नाल कभी भी इस दमार नहीं लगेगा। और एग्जांपल देखो प्लीज If I say I like you, second I'm like you, और तो कोई फर्क ही है प्लीज जब तुम लाइक के तौर पर यूज कर रहे हो तो मीन्स तुम पसंद कर रहा भी मैं तुम पसंद करता हूँ पर जब कह दिए आई एम लाइक यू सो कहना आम ना हो क्योंकि कभी भी किसी बॉब्दे नाल इज्जत पैदा नहीं वर्ग का कोई एक्शन ही है ना। जब वर्ग का कोई एक्शन नहीं है तो इज अमर लगेगा लगेगा क्योंकि मैं पहला दस चुका था जो भी किसी सेंटेंस में बॉडी फॉर्म नहीं होती तो इज अमर लगेगा लगेगा। सो इतने लाइक पसंद के तौर पर नहीं काम कर रहा बल्कि इतने का लाइक है कि वर्ग का तौर पर काम कर रहा है। इसी पे अभी ये होगी मैं तुम्हें पसंद करता हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हाँ तो मैं थोड़े वर्ग का जो हमेशा ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी करेंगे क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स लगा देने पर एक एग्जाम्पल सामने देखो एक तो कहते आई लाइक यू एक आई एम लाइक यू तुम तुम्हें पता होना चाहिए निके जो डिफरेंस ना पूरा सेंटेंस चेंज हो चुका। सो प्लीज थोड़ा ध्यान लोड़े थे गाइस। सो ए फर्स्ट वीडियो सी सो इस नॉट रिलेटेड एक सेकंड वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कराऊंगा। सो प्लीज़
सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.